येणाऱ्या काळात सहकारी बँकांसमोर येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर उपाय करता अकोल्यामध्ये आज जनता बँकेद्वारे एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमामध्ये विदर्भासह मराठवाड्यातील सहकारी बँकांचे व्यवस्थापक आणि संचालकांनी भाग घेतला. यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात इंटरनेट बँकिंग तथा ऑनलाईन पेमेंट करताना सायबर सुरक्षा करता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे प्रमुख वक्ता नागपूरचे ऍडव्होकेट महेंद्र लिमये हे होते. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी इंटरनेट बँकिंग तथा ऑनलाइन पेमेंट अनिवार्य केला आहे. जनता बैंक को हो गए इस बैंक का जो ध्येय जो इसकी नीम डाली थी उसके पीछे की भावना ये सेवा भाव की थी और हम कैसे लोगों को छोटे छोटे व्यापार उद्योग को खड़ा कर सके उनको लोन दे सके कम रेट में दे सके उसके पीछे की ये भावना थी हमारी और उसको हमने आज 40 ब्रांच के रूप में 1400 करोड़ की डिपॉजिट 800 करोड़ का लोन और 2000 करोड़ की टर्नओवर वाली बैंक आज अकोला जनता बैंक खड़ी है जिसका NPA 0.075 है जिसका प्रॉफिट पिछले साल से 30% बढ़ा है और हमने इस साल हमारे कर्मचारियों की पगार बहुत बढ़ाई है और उसके साथ साथ उनका मेडिकल क्लेम 7 लाख का किया है और आज जो फेडरेशन का प्रोग्राम हम रखना चाह रहे हैं उसके पीछे की हमारी भावना यही है कि जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो भी डे टू डे की प्रॉब्लम है वो हम फेडरेशन के सामने रखें और फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में RBI में और जितने भी जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वहाँ तक हम अपनी बात रख सकेंगे.